नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतन के गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मनसा वाचा कर्मणा यानी मन वचन और कर्म की शक्ति के बारे में। दोस्तों कोई भी कार्य जब आप शुरू करते हो, प्रारंभ करते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? सीधे कार्य प्रारंभ करते हो या पहले सोचते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ? यानी कि सबसे पहला थॉट कहाँ आता है? मन में। ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे वो आता है मन। तो सबसे पहले आपका सोच आती है, आपके विचार आते हैं, फिर आप उन विचारों को, अपनी सोच को लोगों को बोलना शुरू करते हो। आप लोगों को बोलते हो कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं ये बनना चाहता हूं, यानी कि वचन, वाणी, बोलना। और जब तीसरी स्टेज, जब आप लोगों से बोलते हो और जब बहुत सारे लोगों से बोल चुके होते हो कि मैं ये कार्य शुरू कर रहा हूं, मैं ये बन रहा हूं या मैं ये बनना चाहता हूं, तो तीसरी चीज आती है कर्म। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को बोल दिया है तो अब आपको उस कर्म को करना पड़ेगा। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं बड़ा छुपा छुपा के करते हैं, दिमाग में ही करते हैं, ना किसी को बताते हैं। और जब बोलते नहीं है तो हमारे पास कोई प्रेशर नहीं रहता कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। दोस्तों अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ठीक रिवर्स वे में काम करिए। आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों को बोलना प्रारंभ करिए। आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये आपने सोच लिया, लेकिन सेकेंड स्टेज है वाचा, बोलना, बाड़ी, यानी कि बोलना प्रारंभ करिए। जब आप लोगों से बोलेंगे और बहुत सारे लोगों से बोल चुके होंगे तो आपके पास एक प्रेशर रहेगा, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि आपने इतने सारे लोगों को बोल दिया है कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं काम कर रहा हूं। तो अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी हंसी बनेगी या मजाक बनेगी। इस वजह से भी आप उस कार्य को अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ शुरू करते हो, जिससे आप दूसरे लोगों को ये बता सको कि आप जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो आपने कर लिया, वो आपने पा लिया। तो दोस्तों कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको अपने मन में रखने की जगह मन के साथ साथ लोगों से बोले, अपने परिवार के लोगों से बोले, अपने दोस्तों से बोले, अपने रिश्तेदारों से बोले। और जब आप बोलेंगे तो आपके ऊपर एक मानसिक दबाव आएगा। दबाव कभी भी बुरा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि दबाव हुई वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, काम करने की शक्ति देता है। और तीसरी स्टेज है कर्म। तो मन, वचन और कर्म की शक्ति तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कुछ भी करना चाहते हैं सोचिए, विचार लाइए, मन, वचन, बोलना शुरू करिए, लोगों को बोलिए कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। और जब आप बहुत सारे लोगों से बोल चुके होंगे तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा उस काम को करने का और उसमें सफलता पाने का। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। कोई भी काम, बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ दिमाग में ही काम करते हैं, सिर्फ मन में ही बन रहे होते हैं, ना किसी को उसके बारे में बोलते हैं, और जब बोला नहीं है तो कोई फिजिकल और मेंटल प्रेशर नहीं है उस कार्य को करने का। तो फिर जीवन में सफल होना है दोस्तों तो मन, वचन और कर्म तीनों में सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तीनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। यानी जो यहां पर है वो यहां पे होना चाहिए और जो यहां पे है वही आपके कर्म में होना चाहिए। तो मन, वचन और कर्म तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो जीवन में सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको मन, वचन और कर्म की शक्ति का अंदाजा हो गया होगा और आप सिर्फ यहां नहीं रखेंगे चीजों को बल्कि यहां से यहां लाएंगे और फिर एक्शन के यानी कर्म के अनुरूप में उस कार्य को प्रारंभ कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की वीडियोज की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नमस्कार।